उसमें मेरे से पूर्व माननीय 20 सदस्यों ने इस संशोधन को लेकर बात कही। वास्तव में मैंने जब ये संशोधन के लिए पढ़ा तो उसमें जो संशोधन आया है वो हमारी कोई भूमिका नहीं है। जैसा कि आज गुलाम नबी आज़ाद जी ने और नितिन गडकरी जी ने विधायक और इनके जो क्या कार्य है क्या होना चाहिए वो लेकर चर्चा की थी, मुझे लगा कि ये जो बिल आया है उसमें नहीं तो हमारी भूमिका है, ये भूमिका सिर्फ कोर्ट की है, हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने रीट लगाई, हाई कोर्ट में किसी सदस्य ने रीट लगाई और रीट में संशोधन करने के लिए कि भाई हमें अवेलेबल और कंजेबल जो है वो सुविधा देनी चाहिए, इसलिए वो एक्ट को जोड़ा जाए। बाकी कुछ हम लोगों ने इस एक्ट में कुछ नहीं किया, इसमें होना ये चाहिए था। हाँ, हाई कोर्ट का फैसला हमें मानकर इसमें संशोधन करना चाहिए था, हमें इस बिल में नई धारा जोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन इस बिल में और क्या कमियां थी उसके बारे में कुछ भी, सिर्फ एक लाइन के लिए, एक वैलेबल ऑफेंस के लिए हम लोगों ने ये एक्ट लाया। अब वापिस कल उठ के 4 दिन बाद में एक पार्टी और कोर्ट में जाएगी, उसमें कोई नए एक्ट में उसमें नया बताएंगे कि ये करना चाहिए था, फिर हमें नया एक्ट लाना पड़े, नया बिल लाना पड़ेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि जो इसमें इस एक्ट में जो कमियाँ हैं वो पूरी एक बार एक साथ में निकाल कर यहाँ पर एक्ट बिल लाया जाए, जिससे आने वाले समय में हमें बार बार संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। और पूरा का पूरा मैं तो ये भी कहूँगा कि जितने भी इसमें धारा बनती है उसकी भी मॉक ट्रायल कर दी जाए। मॉक ट्रायल करने से हमें ये भी जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में इसमें क्या क्या कमियाँ है। तो मैं पुनः सभापति महोदय आपको निवेदन करूँगा कि इसमें इस बिल को 6 महीने के लिए परिचालित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा।